हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग गुजराती खीचू बनाएंगे। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने वो एपिसोड तो देखा होगा जिसमें जेठालाल जी खीचू बनाते हैं और जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। आज हम वही वाला खीचू की एकदम परफेक्ट रेसिपी देखेंगे और साथ में परफेक्ट माप में आपको बताऊंगी कि पहली बार में आपका खीचू एकदम परफेक्ट बनेगा, ना ही पतला होगा ना ही गाढ़ा होगा। साथ में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी। वीडियो के लास्ट में एक आपको बहुत ही स्पेशल किचन टिप मिलेगी जो कि बहुत यूनिक होगी और आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो खीचू बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में हम एक कटोरी से माप करके 3 कटोरी पानी लेंगे। आपको मेजरमेंट्स का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जिस कटोरी का आप आटा लेंगे ना, उसी कटोरी से आपको पानी लेना है। तो बिल्कुल फुल भर के हमने 3 कटोरी पानी ले लिया है। इसी कटोरी से माप करके हमने आटा भी एक तरफ रख लिया है। और अब हम इसमें 1 चम्मच जितना जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे और 1/2 चम्मच इसमें सफेद तिल डालेंगे। सफेद तिल अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर आता है इसलिए इसको डाला जाता है। अब इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे। इसी के साथ ही हमने क्या किया कि 2-3 हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप करके, मतलब इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया, दरदरा सा इसको पीस लिया है, ऐसा बना लिया। आप चाहे तो पेस्ट भी बना सकते हैं इसका बिल्कुल, या फिर आप अदरक और हरी मिर्च दोनों को मिलाकर भी पेस्ट बना सकते हैं। तो ये दोनों तरह से ऑप्शनल है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। सभी चीजों को मिक्स कर देंगे और यहाँ पर गैस को ऑन करके हम इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। अभी तक हमने गैस को ऑन नहीं किया था। सभी चीजों को डालने के बाद में गैस को ऑन करेंगे। और अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो हरे धनिया का पेस्ट बनाकर डाल दें। हमने थोड़ा सा बारीक बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया है। अब सभी चीजों को मिक्स करके इसको ढक करके एकदम अच्छा सा बॉईल आने तक इसको बॉईल करेंगे हाई फ्लेम पर। यहाँ पर आप देखिए हमारा जो पानी है वो काफी अच्छे से बॉईल हो रहा है। इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच जितना बेकिंग सोडा, जो हम केक वगैरह के लिए यूज करते हैं, जो खाने का सोडा होता है वो नॉर्मल पैकेट में मिलता है, बहुत ही सस्ता सा मिलता है, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। बेकिंग पाउडर नहीं, इनो नहीं, सिर्फ बेकिंग सोडा का ही यहाँ पर यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए जिस कटोरी से हमने पानी ऐड किया था ना, उसी कटोरी से नाप करके 1 कटोरी हमने चावल का आटा ले लिया है। आप चाहे तो मार्केट वाला चावल का आटा ले सकते हैं, या फिर मैंने घर पर भी बनाना सिखाया है चावल का आटा, वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसको डालते के साथ में ही आपको पहले तो गैस की फ्लेम को एकदम कम कर देना है, या तो या फिर आप बंद कर दें, दोनों ही कर सकते हैं आप। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक बेलन लेना है। बेलन के पीछे वाले हिस्से से हमें इस तरीके से इसको कंटिन्यू चलाना है। आपने देखा होगा कि मैंने इसको चावल के आटे को डालते के साथ में इसे चलाना स्टार्ट कर दिया था। अगर आप सिर्फ स्पून से या फिर स्पैचुला से इसको चलाने की कोशिश करेंगे ना, तो इसमें गांठें बन जाएंगी, इस तरह से परफेक्ट नहीं बन पाएगा, एक साथ नहीं हो पाएगा, गांठें बनेंगी और फिर वो टेस्टी नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी टिप है, आप इसको बेलन की सहायता से इसके मिक्स करें। और जब आपको लगता है कि अच्छे से मिक्स हो गया है आटा, तब आप इसमें फिर स्पून से या स्पैचुला से किसी भी चीज से इसको मिक्स कर सकते हैं। जब हम अगर आपने गैस को बंद कर दिया है, तो जब आटा एक सार हो जाए तब आप गैस को ऑन कर लें, और गैस को कम किया है तो फिर आप मीडियम फ्लेम पर इसको बना लें। जब आप देखिए हमारा यहाँ पर आटा एकदम एक सार हो चुका है, बिल्कुल भी इसमें गठाने नहीं दिख रही है, तो अब मैं यहाँ पर स्पून का यूज करूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो हमारा खीचू है वो थोड़ा पतला है, है ना। क्या होता है कि जब हम खाने के लिए बनाते हैं ना, तो वो थोड़ा पतला बनाया जाता है, और जब हम पापड़ वगैरह के लिए बनाते हैं वो थोड़ा टाइट बनता है। तो ये दोनों इस तरीके से, इसमें थोड़ा फर्क होता है बनाने में, पानी की क्वांटिटी का फर्क होता है। ढक करके 2-3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। अच्छा, एक जरूरी टिप है कि अगर आपको लगता है कि आपका जो खीचू है वो थोड़ा गाढ़ा हो गया है, पानी की मात्रा कई बार कम रह जाती है, हमारा अंदाजा सही नहीं होता है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी गर्म करके ऐड कर दें 1-2 मिनट के लिए और पका लें, आपका खीचू एकदम परफेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा खीचू को हमें पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे हैं इसका कलर काफी चेंज हो गया है। इस टाइम पर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका जो खीचू है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर आपको लग रहा है कि गाढ़ा है, तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी इस वक्त ऐड कर दें और 1-2 मिनट के लिए और पका लें, और आपका एकदम परफेक्ट खीचू बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा खीचू एकदम मुझे परफेक्ट लग रहा है। इसको 1 मिनट के लिए ढक करके और पका देते हैं। एकदम लो फ्लेम पर इसको इस टाइम पर पकाना है, एकदम लो फ्लेम हमें कर देनी है। 1 मिनट के बाद में हमारा खीचू पककर तैयार हो जाएगा, और हमारा खीचू बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बताती हूँ आपको कि खीचू जब आपका पूरी तरह पक जाए ना, गैस को ऑफ करके सिर्फ 1 मिनट के लिए उसको आप ढक करके छोड़ दें, और फिर अगर आप उसको सर्व करेंगे ना, तो उसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आएगा, वो और भी ज्यादा अच्छे से पक जाता है। तो कोई भी सर्विंग बोल में आप उसको हम सर्व करेंगे। अच्छा, इसका सर्व करने का तरीका भी थोड़ा अलग है, आपने शायद देखा भी हो, नहीं भी देखा हो तो इस वीडियो में आप देख ही लेंगे।
तो पहले हम इस बोल में इसको ट्रांसफर कर लेते हैं और उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको सर्व करते हैं। जब हमने बोल में ट्रांसफर कर लिया है तो इसके ऊपर हम ऐड करेंगे मूंगफली का तेल। वैसे आप कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है गुजरात की तरफ मूंगफली का तेल ज्यादा यूज किया जाता है, तो हमने मूंगफली का ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। और इसके ऊपर से हम ऐड कर रहे हैं अचार का मसाला, जो हम अचार वगैरह के लिए यूज करते हैं ना, वही वाला मसाला है। अच्छा, अगर ये ना हो तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आप लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा हमने लाल मिर्च ऐड नहीं की थी। तो यहाँ पर हमारा जबरदस्त वाला एकदम परफेक्ट गुजराती खींचू बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी लग रहा है और एक बहुत ही अच्छा, आप इसको ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, शाम को स्नैक्स में भी बनाया जा सकता है। ये बहुत ही टेस्टी और साथ में हेल्दी भी है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें परेशान होना पड़े कि कहाँ से मिलेगी या कुछ भी ऐसा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसको कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, आप इसको बनाइएगा, मुझे बताइएगा जरूर कि आपको ये कैसा लगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी किचन टिप की तरफ। तो आज की किचन टिप है कि यदि दो बर्तन आपस में फंस जाते हैं, कई बार ग्लासेस ऊपर नीचे फंस जाते हैं, तो जहां से वो फंसे है ना वहां पर थोड़ा सा तेल लगा दीजिए और आधे घंटे के तक उसको ऐसे ही छोड़ दें। थोड़ी देर बाद जब आप उसको घुमाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो क्योंकि अक्सर ऐसा होता ही है बर्तन हमारे फंस जाते हैं आपस में, तो आप इस टिप को यूज कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपने कब बनाया खींचू वो भी बताइएगा, कि टिप कैसी लगी वो भी बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बाय बाय।